हां मैं सच बोल रहा हूं, ना ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे। और ये वीडियो कोई भी क्लिक बेट वीडियो नहीं है, क्योंकि कई सारे मेरे पास रीजंस है और जो मैं ऑब्जर्व करता हूं एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, मैंने यही देखा है कि कोई भी इंग्लिश, मतलब ओनली 1% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, बाकी 99% ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, क्या वजह है इसकी? अगर आप इस वीडियो को सच में पूरा देखते हैं ना, मैं आपको सच बताऊंगा कि आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाएंगे और ऐसी क्या वजह है। और ये हार्स रियलिटी है, रियल ट्रूथ है, रियल फैक्ट है। अगर आप मानते हैं तो भी सही, नहीं मानते हैं तो भी सही, बट क्योंकि ये ज्यादातर और मैक्सिमम चांसेस है कि ये सभी के साथ होता है। अब ये ऐसी क्या वजह है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंग्लिश हमको सीखना होता है क्योंकि कंडीशंस होते हैं फॉर द पर्सनैलिटी ग्रोथ, और इफ यू आर डूइंग एनी कॉर्पोरेट जॉब्स हमको वहां सीखना, बोलना होता है, निगोशिएट करना पड़ता है बॉस से, कस्टमर से, कोवर्कर से, तो इंग्लिश हमें सीखना होता है। अब इंग्लिश कैसे सीखे, क्योंकि टाइम तो वहां जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वजह होती है टाइम ही नहीं होता है। एग्जैक्टली देखो, इंग्लिश अगर सीखना है देर आर टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज टाइम, आपको समय देना पड़ेगा, एंड इफ यू नॉट विलिंग टू डू सो आपको कोई ट्रेनर हायर करना पड़ेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, फॉर एनी रीजन इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस, मैं ऐसा मान लेता हूं आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। अब होता क्या है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, देखो मेरे साथ जो हुआ है ना मैं वही बताऊंगा, और जो बच्चों के साथ होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। होता क्या है, कोई भी कोचिंग क्लासेस में हम सोचते हैं कि इंग्लिश तो 2-3 महीने में सीख जाएंगे, बट पर्टिकुलरली क्योंकि जो इंग्लिश लाइक इंग्लिश कोर्सेस आप जो ज्वाइन करते हैं ना, उसमें 2-3 महीने में आपको स्पेसिफिक चीजें पढ़ाई जाती है, लाइक टेंसेस हो गया, ठीक है, जो हमको दिखते हैं, मॉडल्स हो गया, वो भी थॉरली नहीं, नॉर्मल ऊपर ही ऊपर चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब वो जो हमको पढ़ाया है, दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट वाइज, लाइक एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा गया है, बट जब आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप यूज नहीं करते उसको। अगर सच कहो, इट हैज बीन अ लॉन्ग ईयर्स, यू नो 2 years आई हैव बीन इनटू इंग्लिश प्रोफेशन, बट स्टिल टुडे आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू वोकैब्स, रिलेटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स। और ऐसा क्यों, क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूं कंसिस्टेंटली, उस चीज को यू नो रीडिंग करते रहता हूं, नए नए ग्रामर सीखते रहता हूं, और एक्चुअली मैं रियलाइज करता हूं देर आर सो मेनी थिंग्स टू टीच समवन, यू नो इफ द पर्सन इज रियली वांट टू बी फ्लुएंट। अब होगा कैसे, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 महीने में इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं, वैसे ये सच भी है इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, बट इंग्लिश की ABCD तो समझ सकते हैं ना आप, थोड़ा बोलने की कोशिश तो कर सकते हैं ना आप। अब होगा ये कैसे, देखो पहली बात तो ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेनर हायर करें चाहे ना करें। अगर ट्रेनर हायर करते हैं तो आपका जो टाइम है जरूर रिड्यूस हो जाएगा, बट समय आपको खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन आप ट्रेनर हायर करते हैं तो आपका समय रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो आपका ट्रेनर है, इफ द ट्रेनर इज रियली स्मार्ट एंड हैविंग द एक्सपीरियंस इन टू दिस, एक्सपीरियंस तो मैटर नहीं करता बट स्किल्स जरूर मैटर करती है, जिस तरह उसने सीखा है यू नो, एंड जब वो आपको सिखाता है यू गेट द नॉलेज, यू नो यू गेट द राइट थिंग्स। अब एक्चुअली में यू नो एजुकेशन इज एक्चुअली अ बिजनेस दीज डेज, सब कोई आपसे पैसा लेंगे, आपको सिखाएंगे, सिखाने आई मीन यू नो व्हाट आई मीन इज दैट, कि वही नॉर्मल चीजें जो एक्चुअली उतना मैटर नहीं करते इंग्लिश में, बट ट्रस्ट मी इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन यू हैव टू गेट द गुड ट्रेनर, एंड ये स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही सीखी जाती है, सब्जेक्ट की तरह नहीं सीखी जाती है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गिव द टाइम इन टू ग्रामर थिंग्स, यू नो बिकॉज कोई भी चीज यू ही नहीं आएगी, एंड ट्रस्ट मी मिनिमम 6 months लगते हैं किसी भी ग्रामर को यू नो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ग्रामर में इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना फॉर एवरी स्पेसिफिक थिंग्स। आई एम गोना मेक द कॉन्टेंट्स यू नो ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप बिल्कुल सबको देखें, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, जिस वजह से हमें कॉन्फिडेंस यू नो आता है और हम कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, जब तक आपको वजह और रीजंस नहीं पता होंगी तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। सो हेंस इधर गिव टाइम और हायर अ ट्रेनर। अब ट्रेनर हायर करते समय क्या दिक्कतें आती है, कि एक्चुअली वी आर नॉट रेडी टू गिव द मनी, एग्जैक्टली, क्योंकि समय तो होता नहीं है, और जो क्योंकि हम जो काम करते हैं उससे पैसा जनरेट करते हैं, वी आर नॉट हैविंग दैट यू नो माइंडसेट टू इन्वेस्ट दैट मनी।
एक्चुअली हम क्या करते हैं, प्रोकेस्टिनेट करते हैं एग्जैक्टली exactly. और हम सोचते हैं कि कोई भी ट्रेनर मिल जाए हमको सिखा देंगे. देखो ये सच है बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि यू नो एवरीवन इज गोइंग टू कोचिंग और समवेयर एल्स बट देयर आर फ्यूअर पीपल एक्चुअली हु आर एबल टू लर्न इंग्लिश. क्यों? क्योंकि एक तो जो ट्रेनर है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है और एक खुद का, ठीक है. लेकिन जब तक ट्रेनर अच्छा नहीं होगा आपको अच्छी गाइडलाइंस और आपको अच्छे तरीके टेक्निक्स और यू नो टैक्टिक्स नहीं मिलेंगे. इस वजह से आपको एक अच्छा ट्रेनर हायर करना जरूरी है. भले ही आप पैसे दे रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट मच यू नो, बिकॉज आफ्टर सम डेज व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग, इफ यू व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दैट यू नो वैल्यू इनटू योर ऑन वर्क, यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट एंड इट इज फॉर श्योर ट्रू. तो अभी नैरो माइंडेड मत बनिए, इन्वेस्ट कीजिए और साथ ही साथ प्रोकेस्टिनेट करने के बदले ट्रेनर हायर कीजिए अगर समय नहीं है. अगर समय है तो खुद से पढ़े, बिकॉज आई बिलीव यूट्यूब एंड लॉट ऑफ यू नो प्लेटफॉर्म्स आर देयर वेयर यू कैन एक्चुअली लर्न इंग्लिश फॉर फ्री. बट थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज यू नो एक तरीके से होती है एंड व्हेन यू फॉलो दैट प्रॉपर यू नो रूटीन एंड प्रॉपर स्केड्यूल्स फॉर एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू बिकम अ वेरी फैंटास्टिक स्पीकर एंड दिस इज व्हाट इट इज. इफ यू एग्री इट्स ओके, इफ यू डोंट एग्री I can't do anything, but it is for sure, guarantee दे रहा हूं आप नहीं सीख पाएंगे English, क्योंकि observation और experience, because I've been getting a lot of calls, लेकिन आप मानेंगे नहीं सभी बच्चे या फिर you know जिनको English सीखना होता है वो ये बोल देते हैं sir okay I'm gonna call you up, but ऐसा होता नहीं है. And trust me, the one who are taking up the classes they procrastinate है ना, वो consistent नहीं रहते हैं जिस वजह से English नहीं सीख पाते हैं. तो ये कुछ वजह है और ये reality है कि अगर लाइक 100 बच्चे हैं तो एक या दो बच्चे ही इंग्लिश बोल पा रहे हैं, बाकी उसमें से 70-80 बच्चे तो छोड़ ही देते हैं क्लासेस बीच में, या और जो 10-12 बच्चे हैं वो आधा आधा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करते हैं. और सच कह रहा हूं मिनिमम 6 मंथ्स ग्रामर सीखने में लगते हैं. ऐसा आप सोचते हैं कि 3 मंथ्स में कोई भी कोचिंग आपको करा देगी, टू बी ऑनेस्ट वो आपको सरफेस वाली चीजें पढ़ाती है. जब आप डेप्थ में जाते हैं तो चीजें अलग होती हैं, ये आपको मानना है. क्योंकि you know being a teacher I truly understand that you know it's not a piece of cake to go with the grammar and to understand everything, hai na, samay lagega lekin jab aap usko 2-3 bar padhenge to aap seekh jate hain and this is how you are going to learn english, theek hai. ya to fir aap content english ke bahut sare dekhe. I mean you know the best way to you know to know the grammar and all is my reels video, and believe me or not but you are going to get so many productive things, you know, sentence formations, basic grammar things, like जो हम गलती करते हैं इस तरह आप इंग्लिश सीख जाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो इज रियली वैल्यूएबल फॉर यू, एंड अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है इस वीडियो से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. और भूलिएगा नहीं जो चीज मैंने आज बताई है. तो एट द एंड अगेन प्रॉमिस है मेरा कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे अगर आप टाइम या ट्रेनर हायर नहीं करते हैं. तो द चॉइस इज योर्स एंड यू हैव टू एक्चुअली बिकम स्मार्ट इन दिस, यू नो, टेक द डिसीजन, डोंट प्रोकेस्टिनेट इट, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑफ इंग्लिश एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय.